अवसर पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया, जिसमें दूर दराज से आए भक्तजनों ने अपने गुरु का पूजन किया। श्रीधाम वृंदावन के रमन रेती मार्ग स्थित हनुमान टेकरी मंदिर में 49वें वार्षिक महोत्सव का धूमधाम से समापन हुआ। प्रातःकाल परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वयं पाकी जी महाराज का अनंत विभूषित श्री मठ रतन श्री राम स्वरूप दास जी महाराज का पूजन किया गया। दूर दराज से आए भक्तों ने अपने गुरुदेव का पूजन किया। भक्तों ने भजनों के माध्यम से अपने गुरुदेव को श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। आश्रम के बड़े महंत श्री रामशरण दास जी महाराज ने अपने आशीष वचनों से सभी को अपना आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात हजारों संतों को प्रसाद व दक्षिणा देकर सबका सम्मान किया गया। मथुरा में उपस्थित संत एवं भक्तों को प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम में महंत दशरथ दास जी महाराज, अधिकारी शिव बालक दास जी, कौशलेश दास जी, माधव दास जी, अखिलेश दास, श्याम दास जी, सुधीर दास, मोहन दास, हरित दास, गौरी शंकर शर्मा, कमलेश शर्मा, दीपक शर्मा, मधुलिका शर्मा, पंकज शर्मा, परी शर्मा, राधारमन शर्मा, मुकेश चंद्र लवानिया, मानवी शर्मा, जैक्ष शर्मा आदि भक्त जन उपस्थित रहे। मनोज अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा, मैं दिल्ली निवासी। यहाँ पर हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का छठम महोत्सव एवं दादा गुरु जी का 49वां महोत्सव मनाया गया, जो कि 20 तारीख से 26 तारीख तक जिसमें भागवत कथा का आयोजन हुआ। उसके बाद में 27 तारीख को रामायण पाठ हुआ एवं संतों का भंडारा हुआ। 28 तारीख को फिर रामार्चा पूजन हुई। उसके बाद में आज झरा भंडारा हुआ वृंदावन के संतों का और महाराज जी का पूजन हुआ। और आज सभी संतजनों का, सभी भक्तों का यहाँ पर प्रसादी हुई और उसके बाद में आज ये प्रोग्राम शाम तक संपन्न हुआ। प्रतिवर्ष की भांत इस वर्ष भी 10 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है। इसमें श्री स्वयं पाकी जी महाराज की 49वां वार्षिक महोत्सव एवं परम पूज्य साकेतवासी श्री रामस्वरूप दास जी महाराज का खष्टम ये वार्षिक महोत्सव हुआ। इसमें श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं अखंड रामायण का पाठ एवं रामर्चा महोत्सव आज के दिन सभी वृंदावन के संतों, ब्रज के संतों का झारा भंडारा विधिवत दक्षिणा सहित एवं 2-3 हजार भक्तों का सम्मेलन और भी विद्वत गणों का आयोजन ये धूमधाम से मनाया गया। जय श्री राम।